एक ओर लेपर्ड है तो दूसरी तरफ वाइल्ड बीस्ट के जान पर आई हुई है। वहीं एक और दो जिद्दी जिराफ भिड़ रहे हैं तो दूसरी ओर एक नारियले टिल्लो पर एक शेर घात लगाए हुए बैठा है। अब देखना यह है कि कौन किस पर बारी पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत जंगल के राजा से करते हैं। यहाँ शेरनियों का झुंड इन हाइनास के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा इन हाइनास की गलती के कारण हुआ। दरअसल यहाँ शेरनियों की एक टोली जंगल में मरे हुए भैंसे के शरीर से मांस नोचने में लगी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ इनके नजदीक पहले तो सिर्फ एक लोमड़ी आती है, लेकिन कुछ देर बाद इन लोमड़ियों की संख्या बढ़ने लगती है, जिन्हें भगाने के लिए ये शेरनियाँ उनके पीछे भागती है और यहीं हाइनास को मौका मिल जाता है, जिसके बाद सभी हाइनास एक एक करके इस भैंसे पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच एक और लोमड़ी और कुछ गिद्ध भी शामिल हो जाते हैं। अभी ये सब मिलकर भैंसे को नोच ही रहे थे कि तभी शेरनियाँ यहाँ वापस आ जाती है और एकाएक इन हाइनास पर हमला बोल देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता रफ्तार का बादशाह भले ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात एक चीता और गजेल के बीच की जंग पर आती है तो इस नज़ारे को देखने के लिए सभी की आंखें जम जाती है। और ऐसा ही एक नज़ारा आप यहाँ देखेंगे। यहाँ एक और गजेल घास खाने में लगे हुए है और दूसरी तरफ एक चीता की नज़र उन पर पड़ते ही वह उनकी तरफ निकल पड़ता है। अपनी ओर आती हुई उस कयामत की भनक लगते ही सभी गजल जान की बाजी लगाकर भागते हैं, लेकिन एक गजल इनका शिकार हो ही जाता है। पर जरा ठहरिए, क्योंकि अभी यह गजल हार नहीं माना है और आप ये भूल रहे हैं कि इनके अंदर भी बेहिसाब फुर्ती होती है और इनके ये लंबे सिंह भला किस दिन काम आने वाले है। यहाँ जैसे ही ये चीता इस गजल को चपटता है वैसे ही इसके बच्चे भी इसका शिकार करने चले आते हैं, लेकिन यही बाजी पलट जाती है। गजल एक्शन में आता है। गजल इस चीता को जमीन पर पटकते हुए उस पर अपने सिंह दसाता है, जिसे चीता के शरीर पर घाव लगता है और वो भागता है और यहीं से यह बच जाता है। लेकिन ये चीता यही नहीं मानता और एक बार फिर अपनी गैंग के साथ एक छोटे गजल के बेबी पर हमला करता है। यहाँ भागते हुए जैसे ही इस बेबी गजल को हाथ लगाता है वो इसकी किस्मत को यहाँ भी फीका साबित कर देता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दे। गौर करने की बात है कि ऐसा एक बार और भी हो चुका है जब तेंदुए को मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ दो वाइल्ड बीस्ट को अकेला पाकर यह तेंदुआ उन पर जैसे ही हमला करता है यह दोनों भागते हैं, पर तेंदुआ इनमें से एक पर अपनी पकड़ बना लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए, क्योंकि इसके बाद तो अक्ल ठिकाने आ गई होगी। अब आप खुद सोच कर बताइए कि यहाँ बबून्स की गैंग व चीता के बीच किसकी जीत होने वाली है। यहाँ हुआ यह है कि ये चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए इन बबून्स के इलाके में पानी पीने चला आया है, जिसे देखकर ये बबून्स हमला करने के लिए अलर्ट हो गए और एक दूसरे को आवाज लगाए जा रहे हैं। चीता के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा है, लेकिन प्यास तो बुझानी ही थी। यह चीता इधर पानी पीना शुरू किया ही था कि बबून्स की टोली एक एक करके उसे घेरना शुरू कर देती है और इस बात को चीता भांप लेता है। पहले तो यहाँ से दबे पांव ही निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात बिगड़ती है तो दुम दबाकर भागता है और ये भागते हुए रुककर पीछे मुड़कर इन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। पर ये बबून्स हर बार दुश्मन पर भारी नहीं पड़ते। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ एक बबून घुस बर्ड्स के इलाके में घुस आया था कि तभी दो बर्ड्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये उस पर कूद कूद कर चोंच मार रही थी और जनाब सिर नीचे करके सिर्फ मार खा रहे थे। वैसे ये जनाब बोलते भी कैसे, पल भर में इतनी सारी बर्ड्स इन्हें जो घेर लेती है। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ इस खरगोश की मत्ती मारी गई है जो इस बिल्ली को अपनी ओर बढ़ते देख कर भी भाग नहीं रहा है, क्योंकि ये मूर्ख खुद को बिल्ली से ज्यादा फुर्तीला समझ रहा था, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा। अगर आपके सामने ऐसी तस्वीरें आती है तो इन्हें देख कर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि बाज ऐसा ही शिकारी पक्षी है जो सांप से लेकर पक्षियों तक अपना दाव आजमाने के लिए जाना जाता है। ठीक ऐसा ही नजारा आप यहाँ भी देखिए। यहाँ एक बाज एक जेगडो को अपने पंजों में जकड़े हुए हैं। यहाँ जेगडो का इसके पंजों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यह उसके मुंह पर इतना जबरदस्त पकड़ बनाए हुए रखा था कि बेचारे जेगडो का कोई भी पेतरा उस पर काम ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब जेगडो बेबस हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और धीरे धीरे बाज के आगे अपने घुटने टेकना शुरू कर देता है। अंत में बाज उसे मार ही डालता है और उसे लेकर उड़ जाता है। यहाँ दो जिराफ एक दूसरे के साथ चलते हुए आ रहे थे, पर न जाने ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे पर अपनी लंबी गर्दन से हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये लड़ाई ऐसे ही कहाँ खत्म होने वाली थी, यह दोनों कुछ देर ठहर कर एक बार फिर भयंकर लड़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करते हैं। इसी बीच जब ये
ये जिराफ एकाएक अपनी गर्दन घुमाकर दूसरे जिराफ पर हमला करता है तो वह तो बच जाता है, लेकिन उसके सिर का झटका इसके पेट पर लगते ही ये जिराफ अपने होश खो बैठता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही वाइल्ड लाइफ से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।